जो आयुर्वेदा के बेसिस पे सबसे बढ़िया सीजन अपनी बॉडी का डिटॉक्स करने का स्प्रिंग होता है तो okay. जो आयुर्वेदा के बेसिस पे सबसे बढ़िया सीजन अपनी बॉडी का डिटॉक्स करने का स्प्रिंग होता है okay. लंच में भी आ, एक सैलेड या yes. कुछ फ्राई राइस के साथ जो तो बेसिकली आप स्टोर राइस खाए जा सकते हैं अगेन डिपेंड करता है अगर आप राइस आयुर्वेदा अलाउ करता है खिचड़ी मींस राइस और दाल आप खा सकते हैं खिचड़ी शाम को जैसे शाम को बना लीजिए कि हमने खिचड़ी खानी है या वेजिटेबल का सूप पीना yes. है उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालिए तो डेफिनेटली इस तरह से फोकस ये रहेगा कि आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मे बी जस्ट स्टिक टू राइस और एक हल्की दाल जैसे कि मूंग की दाल तो जस्ट ब्लाइंडली हल्दी के शॉट्स लेना और कंटिन्यू करते रहना जस्ट बिकॉज अगर आपने सोशल मीडिया पर इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट हम अपने खाने में जितनी हल्दी यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल गीता जी नमस्कार वेलकम टू द शो थैंक यू जैसमन जी uh, बहुत अच्छा लगा वापस uh, रेडियो रेड एफ uh, पे आने के लिए और आज का टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया है yes. क्योंकि स्प्रिंग शुरू हो रहा है और आपने इतनी अच्छी चीज़ें शेयर की हैं अपने दर्शकों के साथ अपने स के साथ कि स्प्रिंग बहुत ही आइडियल टाइम है अपनी बॉडी पे भी फोकस करने का स्प्रिंग क्लीनिंग की जब बात करते हैं गीता आयुर्वेदा स्प्रिंग क्लिन पहले तो ये बताएं होता क्या है स्प्रिंग क्लीन तो हमारे दिमाग में तो आता है कि ग्राज साफ़ कर लिया पैटियो साफ कर लिया बॉडी की स्प्रिंग क्लिनिंग क्या है आ, बिल्कुल बॉडी की स्प्रिंग क्लीनिंग पहले शुरू हुई है और घर की स्प्रिंग uh, क्लीनिंग की बात बाद में आती <laughs> okay. है हम आजकल उल्टा चलते हैं hmm. पहले जो एक्सटर्नल yes. होता है हम उसको सुंदर करने पे लग, hmm. लगे हुए हैं जो hmm. घर हमारे होते हैं कि दूसरों को दिखे कि hmm. हमने सफाई की है hmm. पर जो हमारी इंटरनल सफाई है जो हमारी बॉडी है उसकी सफ़ाई बहुत ज़रूरी है hmm. और आयुर्वेदा जो है एक ऐसी साइंस है हमारी जैसे ट्रेडिशनल पाँच हज़ार पुरानी साइंस है उसमें एक जो बेसिक फाउंडेशन है आयुर्वेदा की वो ये है कि हमारी जो बॉडी है वो एक माइक्रोकॉजम जो हमारा यूनिवर्स जो हमारा नेचर है उसका एक छोटा रूप है तो जैसे आज सोलर इक्लिप्स है तो हमको yes. बोला जा रहा है कि सन जो है हुँ. उसकी लाइट शेडो के अंदर रहेगी तो बाहर नहीं निकले हुँ. या उसको नहीं दे सो so, जो हमारी एनर्जीज हैं सन मून अर्थ ओशंस वाटर इन सब का असर हमारी बॉडी पे भी होता है उसी तरह से Uh, एक साइकिल होता है तो so, सीजन्स दिन और रात हुँ. ये सब जो बायोरिदम्स हम इनको बोलते हैं ये हमारी बॉडी पे असर करते हैं हुँ. अगर आप रात को लेट खाना खाते हैं जबकि सन yes. नहीं होता है हुँ. आपकी बॉडी में हीट नहीं होती है डाइजेस्टिव सिस्टम uh, इतना एक्टिव नहीं होता है क्योंकि सन चला गया है और आप अंधेरे में खाते हैं तो उसको बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है oh. उसी तरह से सीजन्स का भी एक इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे तो जो आयुर्वेदा के बेसिस पे सबसे बढ़िया सीजन अपनी बॉडी का डिटॉक्स करने का स्प्रिंग होता है ओके okay. mm -hmm. उसका रीजन भी है mm -hmm. क्योंकि आयुर्वेदा में स्प्रिंग को बोलते हैं कफा सीजन जी कफा मतलब हैवीनेस ओके फ्लैम और आप देखेंगे अगर इस समय अगर आप क्लेंस नहीं करते हैं या इस समय अगर आपको गला खराब जुकाम mm -hmm. ज्यादा होता है उसका mm -hmm. रीजन है आपकी बॉडी अपने आप जो उसकी इंटेलिजेंस है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार हो रहे हैं क्योंकि उस बॉडी का जो एक्सेस बिल्डअप है वो निकालने का तरीका यही है कि आपका गला ख़राब जुकाम हो जाएगा ताकि आप रेस्ट करें और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में कुछ सूप्स पिए कुछ हल्की चीज़ें खाएँ वो एक तरह का तरीका है बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का पर अगर आप खुद एक्टिवली अपनी बॉडी पे फोकस करेंगे आ, मेरे को ये बताइए जैसे स्प्रिंग का सीज़न आता है उससे पहले कौन सा सीज़न है फॉल विंटर विंटर यस सो विंटर जो होता है ठंड का सीजन mm -hmm. होता है हम उस समय क्या खाते हैं ज्यादा कुछ गर्म चीज़ें खाते हैं गर्म yes. चीजें और हम फैट खाते हैं mm -hmm. ज्यादा mm -hmm. भारी चीज़ें जैसे नट्स ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ज्यादा mm -hmm. हमारे ट्रेडिशन में हुआ है हमेशा सर्दियों में होता था कि बादाम पिस्ते mm -hmm. काजू निकाल लेते हैं सो हैवी फैटी चीज़ें हम खाते हैं देसी घी में बने हुए लड्डू और ये सब खाया जाते हैं भिन्या खाते हैं परौठे खाते हैं तो अब जैसे विंटर खत्म होता है हमारा जो फैट अक्यूमुलेट होता है उसका कोई बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है एक नया okay. hmm. साइकिल शुरू होता है स्प्रिंग का पूरे साल के जो सीजन होते हैं उसका साइकिल शुरू होता है स्प्रिंग से स्प्रिंग समर फॉल एंड एंड विंटर सो स्प्रिंग में होता है कि जो पूरे पिछले साल की हम हमारी एक्यूमुलेशन होती है मैक्सिमम hmm. उसमें फैट्स जो अक्यूमुलेटेड होते हैं और आपको पता है जैसे कोई कोई भी ऑयली चीज़ होती है उसमें डर्ट इकट्ठी होती है बहुत जल्दी से जी. सो so, ग्रीस जैसे होती है तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो फैट एक्यूमलेशन होता है वो टॉक्सेंस को एक्यूमलेट करता है तो स्प्रिंग का टाइम है जब हम वो रिलीज कर कर सकते हैं आसानी से क्योंकि नेचर भी यही करता है हमारे जी, साथ रिस्पॉन्ड करता है हम उत्तरायण बोलते हैं या सन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमोसफियर में आ जाता है क्योंकि हम जो सीजन की बात कर रहे हैं वो नॉर्दर्न हेमोसफियर okay. में ये चल रहे हैं <laughs> सो so, जैसे सन नॉर्दर्न हेमोसफेयर में आता है hmm. उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है कि हमारे जो चैनल्स होते हैं वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं एज इन फ्लो जो होता है एल्फैटिक्स का जो फैट्स uh, होते हैं वो जल्दी इजिली फ़्लो होना शुरू hmm. होते हैं और अगर हम क्लेंस करते हैं तो हम बॉडी के टॉक्सनस को ज़्यादा आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं सो hmm. so, ये बेसिक कॉन्सेप्ट yes, है सो yes. आयुर्वेदा so, कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आप समर में गर्मी के बीच में या विंटर में क्लेंजेस करें ओके okay. अगर हमेशा क्लेंजेस आपने करने हैं कोई भी क्लेंस कितने सारे क्लें होते हैं जूस और मीट uh, के कलेंस या आप नॉन वेज नहीं खाएंगे जो भी कलेंस आप करते हैं या स्प्रिंग में करेंगे या फॉल में करेंगे गीता जी सू दसो कि किस तरीके कीती जा सकती है बॉडी की स्प्रिंग क्लेंगते सौखी होंगी करनी बिल्कुल कोई कोई मुश्किल काम नहीं है जो आप हम जो स्प्रिंग क्लीनिंग घर पर करेंगे अपनी बॉडी के लिए आ, वो एक लाइफस्टाइल और डाइट के बेसिस पे करेंगे और क्योंकि आयुर्वेदा जो रिकमेंड करता है अगर आप बहुत ही इंटेंस क्लीनिंग करना चाहते हैं अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशंस हैं तो आप उनकी पंचकर्मा थेरेपी होती okay. है पाँच लेवल की जो एक आयुर्वेदिक रिट्रीट या आयुर्वेदिक क्लिनिक में होती है पर हम घर पर भी अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं पूरे साल के लिए तो हम कैसे करेंगे आप बेसिकली हमने बोला कि हम फैट एक्यूमुलेट करते हैं विंटर में तो इस समय हम रिलीज़ करना चाहते हैं तो पाँच दिन सात दिन ओके okay. जो आपके लिए कंफर्टेबल है उन दिनों के लिए अपनी फैट की कंजम्पशन बहुत ही मिनिमम कर दीजिए अगर थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो कुछ नट्स एंड सीड्स के साथ लाइक भीगे हुए बादाम पाँच खा लिए या थोड़े से अखरोट एंड या कुछ सेसमी सीड्स या चिया और हेम थोड़े से वही बट मेजर कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाएंगे बहुत ही हैवी चीज़ें नहीं खाएंगे आ, तो बहुत मिनिमम जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फ़ैट की एक चम्मच घी या हुँ. कुछ ऐसे हुँ. वो करेंगे और आ, अगर आप चाहते हैं मीट्स और एग्स को बंद कर दीजिए जी एक हफ्ते के लिए हुँ. और वेजिटेरियन वेजिटेबल्स पे आ जाइए okay. और फ्रूट्स पे आ जाइए ठीक आ, अगर आप चाहते हैं तो आयुर्वेदा में वाइट राइस का बहुत है जैसे खिचड़ी पे आ जाइए दो खिचड़ी पहले बोलते थे स्प्रिंग स्प्रिंकलेंस के लिए आयुर्वेदा के बेसिस पे बहुत ही अच्छी है आ, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी है और आपकी हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है आ, और सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे होता है तो ये बेसिक्स हैं जी एंड अगर आप थोड़ी सी फास्टिंग करना चाहते हैं जैसे पाँच या सात दिन में जरूर ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ फास्टिंग करें बीच में एक या दो दिन पकड़ लें कि हम एक ही मील पर आ जाएँगे सो uh, so, वो भी तरीका है हुँ. और दूसरा तरीका है कि आप रोज़ एक घर पे निकला हुआ वेजिटेबल जूस पी सकते हैं फ्रूट्स पर एम्फेसाइज किए सो मेजर एम्फेसिस जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर है हुँ. उसको देखिए और दूसरी चीज़ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमारा ऑर्गन होता है डिटॉक्स का वो है लिवर ओके okay. और लिवर फैट्स को भी मेटाबोलाइज करता है जेन फैट्स को ब्रेक डाउन करने हुँ. में हेल्प करता है तो लिवर को सपोर्ट करना इस समय बहुत ही ज़रूरी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आ, लिवर को बिटर कड़वा टेस्ट पसंद करें अच्छा बहुत हेल्प करता ओके। है ओके तो आ, जैसे कड़वा चीज़ जैसे हम नीम हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स में होती थी नीम हल्दी कुछ ऐसी कड़वी चीज़ें आ, थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपनी डाइट में आ, दूसरा कुछ चीज़ें जो लिवर को बहुत हेल्पफुल करती हैं जो हमारे आयुर्वेदिक अर्ब्स हैं वो है आंवला अच्छा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हम त्रिफला uh, सो hmm. so, वो रेगुलरली अगर आप ले सकते हैं और हल्दी uh, सो hmm. so, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है जी जनरली uh, मेरे क्लाइंट्स के साथ हम डेरी और ग्लूटिन बंद कर देते हैं ठीक है डेयरी बिल्कुल बंद कर देते हैं uh, इन पाँच या सात दिनों hmm. के लिए सो so, इतनी कोई मुश्किल नहीं है कितना आप ले जाना चाहते हैं एक्स्ट्रीम पर वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी हेल्थ क्या hmm. अलाउ करती है hmm. आपकी लाइफस्टाइल क्या अलाउ करती है और उस बेसिस पे पर मेजरली आप हैवी शुगर नहीं खाएंगे प्रोसेस्ड फूड पैकेज फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे सिर्फ घर का बना हुआ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे रहेंगे मेजर गीता जी बहुत सारे जडे लैसनर इस समय सुन रहे है, है हैं जिन्होंने स्प्रिंग क्लीनिंग करनी हैगी है हम आप सोचते हैं भी नहीं घर की स्परिंग क्लीनिंग बाद कर लेंगे पहला आपनी बॉडी करिए क्योंकि हैल्दी बॉडी जी है ही सारा कुछ चलता रइट ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਵ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਮ ਲੈ ਮੈਨ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਕੀ ਖਾਣ ਕੀ ਨਾ ਖਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਮਨ ਜੀ ਯਾ जो भी इंसान सोचना मतलब एक स्प्रिंकलेंस करना चाहता है पहले तो अपना दिन देखिए कि आप दिन में क्या खा रहे हैं एक उस पर नज़र मारिए कि मैं क्या ऐसी चीज़ खा रही हूँ जो एक हैवी है या ये जो प्रोसेस्ड है या जो मैं बाहर से खाती हूँ एक तो जो चीज़ बाहर से आ, आप खाते हैं या प्रोसेस्ड या पैकेज फूड है या, या, या जिसमें बहुत शुगर मिली हुई है आ, या बहुत क्रीम डाल के या स्टारबक्स के ड्रिंक्स पीते हैं तो वो तो एलिमिनेट कर दीजिए एक चीज़ वो है हुँ. तो उसकी कोई आल्टरनेटिव सोचिए क्योंकि अगर आपने जाना है सुबह ऑफिस काम के लिए तो आप जैसे मिल्क मिल्क uh, uh, की बजाय एक बनानाज नो you know, केले के साथ कुछ नट्स uh, नट्स ले, ले लिए इस तरह से या एप्पल के साथ कुछ नट्स ले लिए सो so, इस तरह से अगर आपको दिन की ज़रूरत करनी है पर हम फोकस नट्स पे ज़्यादा नहीं फ्रूट्स पे कर रहे हैं सो ये नहीं कि बिल्कुल पूरा दिन नट्स बनाए स्मूदी बना सकते हैं कोकोनट वाटर के साथ कुछ वेजिटेबल्स एक Uh, दूसरी चीज इस समय अभी भी बाहर अगर हम देखें स्पेशली डिपेंड करता है आप कहाँ पे hmm. अभी भी ठंड है यस yes. सो so, हम बहुत ठंडी चीजें अभी भी नहीं खाएंगे बॉडी को अभी भी वॉर्म चाहिए hmm. कफा का मतलब होता है अर्थ और वाटर एलिमेंट जो कि अभी भी ठंडा है फ्लेम hmm. है कोल्ड है सो so, हमको अभी भी उसमें अगर आप स्मूदी भी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंजर डाल दीजिए ओके okay. आ, आ, या कुछ जैसे इलायची हमारे उसमें होती है कार्डमम डाल दीजिए या कुछ वार्मिंग स्पाइसेस डाल दीजिए थोड़ा सा सिनेमन डाल दीजिए ताकि अगर आप ठंडी चीज़ खा भी रहे हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी गर्म तहसीर होती है ताकि वो बॉडी को हेल्प करें लंच में भी आ, एक सैलेड या yes. कुछ फ्राई राइस के साथ जो बेसिकली आप स्टर फ्राई खाए जा सकते हैं अगेन डिपेंड करता है अगर आप राइस hmm. आयुर्वेदा अलाव करता है खिचड़ी मीन्स राइस और दाल आप खा सकते जी. हैं खिचड़ी शाम को जैसे शाम को बना लीजिए कि हमने खिचड़ी खानी है hmm. या वेजिटेबल का सूप पीना yes. है उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालिए hmm. uh, तो डेफिनेटली इस तरह से फोकस ये रहेगा कि आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड मे बी जस्ट स्टिक टू राइस और एक हल्की दाल जैसे कि मूंग की दाल अगर इन चीजों को फॉलो करें तो आप पाँच या सात दिन बहुत आराम से निकाल सकते हैं जी जी क्योंकि जो आपकी एग्जिस्टिंग डाइट है आप उसे एक लेवल बेटर कर रहे हैं बेटर hmm. मतलब थोड़ा सा एलिमिनेट कर रहे हैं कोई भी हैवी चीज़ें hmm. जो आपकी नॉर्मल होती है और फैट्स कम कर रहे हैं और एग्स या मीट प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल नहीं लेने वो हम एलिमिनेट करते हैं अगर hmm. आपको फिर भी ज़रूरत है डिपेंड hmm. करता है आपकी क्या हेल्थ कंडीशन hmm. है अगर आपको जरूरत है hmm. तो जनरली uh, हम रिकमेंड करते हैं बोन ब्रॉथ ओके या बोन्स का जैसे सूप बना के hmm. या क्लियर सूप hmm. चिकन का या जी. वो आप यूज कर सकते हैं hmm. hmm. या अगर आपने जैसे खिचड़ी बनाई है या दाल बनाई है तो उसमें वो ब्रॉथ डाल दीजिए hmm. या स्टॉक चिकन का स्टॉक डाल दीजिए ਕਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਇਲਾਇਚੀ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹਲਦੀ ਸ਼ਾਟਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਲਨ ਰਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿਚਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ तो so, कोई ऐसी चीज़ नहीं है बट इस समय जैसे कोई भी स्पाइसेस जो गर्मी देते हैं थोड़े से इनफैक्ट जो मेन टेस्ट होते हैं आयुर्वेदा के वो इस समय जो कफ़ा को कम करते हैं जो हैवीनेस को कम करते हैं वो हैं बिटर जी पंजेंट और स्ट्रिंजेंट ओके बिटर का मतलब होता है कड़वे पंजेंट होते हैं हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं जिसमें तिखे वाले थोड़े। वाले पंजेंसी जिसमें होती है और जिंजर गार्लिक जैसे ये होते हैं ये सारे के सारे हमारे पंजेंट हैं और स्ट्रिंजेंट होते हैं जो टोनेफाई करते हैं जैसे थोड़ा सा केला अगर कच्चा खाएंगे तो आपके मुंह में जबान पे थोड़ा सा okay. एक टेस्ट आता है उसको स्ट्रिंजेंट बोलते हैं जो एक टोनर की तरह से अपनी बॉडी को काम करता है सेलरी सेलरी जूस बहुत अच्छा है इस समय अगर आप स्प्रिंकल करना चाहते हैं क्योंकि बहुत हाई मिनरल्स होते हैं वेजिटेबल जूसेस लिवर के लिए बहुत सारी जैसे हर्ब्स होती हैं हल्दी इलायची सारी जो हर्ब्स हैं जो भी डाइजेस्टिव हर्ब्स हैं जो स्पाइसेस हैं हमारे किचन के वो सारे के सारे लिवर को सपोर्ट करते हैं जैसे सौंफ हो गए फेनल जो कूलिंग होते हैं बट फिर भी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं बहुत लोग हैं जिनके लिवर्स बहुत हीटेड हैं आजकल फैटी लिवर बहुत चलता है गर्म होता है क्योंकि लिवर लिवर की गर्मी बहुत होती है स्पेशली जब हम विंटर के बाद निकलते हैं जी तो Liver जो है और इतने टॉक्सेंस की वजह से जनरली मोस्टली देखा जा रहा है सबके लिवर हीटेड हैं तो उसको कम करने का बहुत आसानी से तरीका है फेनल ऐसी चीज़ें जो स्पाइसेस जो वैसे तो लिवर को हेल्प करते हैं करने डिटॉक्स करने में पर उस समय गर्मी नहीं बढ़ाते हैं ठंडा रखते हैं जी जी तो ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि एलोवेरा फेनल आंला ये चीज़ें ठंडी तहसीर की हैं पर फिर भी कड़वाहट है इनमें जिसकी वजह से वो ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਰੀਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਜੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀਏ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜੀਏ ਰੀਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਸ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਤੇ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜਕਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿ ਉਹ پا ਕੇ 커피 ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਲੇਟ 커피 ਆਈ ਡੋਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਵਾਇਨ ਔਰ ਸੌਂਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਪਰ ਮੈਂ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ जासमान uh, जी सबसे अच्छा तो तरीका है दिन शुरू करने का पानी से ओके okay. गरम गुनगुना या रूम टेम्परेचर का hmm. पानी hmm. नींबू डाल सकते हैं ठीक है अगर आपको uh, मुंह में कोई वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि दांत एसिड hmm. uh, की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नींबू आराम से डाल सकते हैं स्पेशली इस समय hmm. जैसे स्प्रिंग में और समर में जी uh, और जो ये बुलेट कॉफ़ी और हाँ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी वो हाँ जी वो बेसिकली शुरू हुआ है क्योंकि इंटरमेडेंट फास्टिंग का एक ट्रेंड शुरू हुआ था तो अगर आ, और कैफीन क्योंकि लोगों ने डेयरी बंद कर दी तो वो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर घी डाल के क्योंकि इंटरमेडेंट फास्टिंग का एक वो ट्रेंड है कि कीटोन्स जो कि बॉडी यूज़ करती है शुगर यूज़ करने की बजाय एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक्सटेंड करने का उसका फ़ायदा एक्सटेंड करने का एक बेसिकली ट्रेंड बन गया कि कॉफ़ी के अंदर घी या फैट डाल के उसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी mm. कुछ इन in, इंस्टाग्राम uh, के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने शुरू किया ब्लाइंडली yes. फॉलो करने की बजाय कोई ऐसा इंसान जिसको uh, जिसको फैट मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो रही हो जो आपको पता भी नहीं है डायग्नोज भी नहीं mm. है कि आप हेवी चीज़ खाते हैं और आपको इनडाइजेशन uh, फील होता है अगर वो इंसान ऐसे शुरू करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी सो ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्यों ज़रूरत है आप क्यों करना चाहते हैं पहले तो फाइंड आउट करिए अपनी बॉडी के hmm. बेसिस पे hmm. आयुर्वेदा में हर एक हर एक इंसान का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक दोषा होता है जी जो इंसान जिसका कफा दोष है जो उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हैवी फैटी चीज़ें काम नहीं करेंगी ठीक है वो तो उनको ऑफ बैलेंस करती hmm. हैं कोई वता इंसान जिसका स्पेस और ईथर एलिमेंट जो हम बोलते हैं वो अगर ओवर एक्टिव है जनरली ऐसे इंसान होते हैं जिनको बहुत पतले होते हैं वेट जो है वो आसानी से पुट ऑन नहीं करते हैं बहुत लंबे जी, उनका जी, स्ट्रक्चर और आ, ऐसे इंसान को हमेशा वो मूवमेंट जैसे होती है कि बहुत ही जल्दी सोचते हैं बहुत बातें करते हैं वैसे इंसान को फैट सूट करता है उनको चाहिए ग्राउंड करने के लिए तो हम जो आयुर्वेदा है वो हर एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करके रिकमेंड करता है क्या जी. तो ऐसा बेसिक जनरल थम रूल्स जो हैं वो बहुत जरूरी है कि हमारी डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डाइजेशन बैलेंस में है मतलब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई डाइजेशन में कोई सिम्टम्स नहीं है जैसे आप खाते हैं गैस ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन या कुछ सो डाइजेशन नॉर्मल है आप खाना ब्रेक डाउन करते हैं आपको लग रहा है आपके ब्लड टेस्ट वगैरह न्यूट्रिय सब नॉर्मल आ रहे हैं तो आप जनरल थम रूल फॉलो करके जैसे सुबह पानी के साथ नींबू ले सकते हैं

बेसिकली अगर हम लेट खाना खाते हैं रात को तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काम नहीं yes, कर रहा होता है तो yes. so, ये पानी पीने का ये बेसिकली रीज़न है कि हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं hmm, hmm. अगर तो आपकी डाइजेशन ठीक है hmm. और बैलेंस में है और अगर आप छः सात बजे तक खाना खा लेते हैं हुँ. और जनरली उसके बाद दो या तीन घंटे आपके पास हैं जिसमें आप थोड़ी सी मूवमेंट थोड़ा जी, सा लिटिल वॉक या इनाफ uh, टाइम देते हैं अपनी बॉडी को वो ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करने के लिए दो घंटे मिनिमम बहुत ज़रूरी है आपके सोने से पहले कि आप खाना खाने से सोने से पहले जाएँ uh, तो आपको ज़रूरत नहीं है यस yes. अगर uh, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि अजवैन बहुत गर्म होती है और अगर आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी एसिड प्रोड्यूस करिए हम बोलते हैं ओवर एक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम है हाइपर एसिड है तो उसको मे बी वो नुकसान करेगा सो दैट्स द रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करिए आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है एंड hmm. उस बेसिस पे डिसाइड करिए इट्स वेरी इंडिविजुअल जी जी दैन जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग गीता जी हल्दी शॉर्ट्स okay. बारे भी दसो सो okay. so, हल्दी hmm. uh, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अर्ब है सुपर हर्ब है हमारे आयुर्वेदा के बेसिस पे और आजकल तो इतना वो हो गया है रिसर्च आई है कैंसर के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए सो so डेफिनेटली पर हल्दी को यूज़ करना अपनी बॉडी में और ओवर यूज़ करना जिसकी वजह से वो अपने बैलेंस को थ्रो कर दे वो अंडरस्टैंड करना okay. बहुत ज़रूरी है सो जस्ट ब्लाइंडली हल्दी के शॉट्स लेना हुँ. और कंटिन्यू uh, करते जी. रहना जस्ट बिकॉज अगर आपने सोशल मीडिया पर सुना इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच इट हम अपने खाने में जितनी हल्दी यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉर्मल बट अगर उससे ज़्यादा आप एक्सीड कर रहे हैं तो आप क्यों खा क्यों करना hmm. खाना चाहते हैं hmm. या आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है hmm. लाइक आपके जॉइंट्स में पेन है hmm. या आप कैंसर को फाइट कर रहे हैं या क्या रीज़न है जिस उसको रीज़न को आइडेंटिफाई hmm. करना बहुत ज़रूरी है दूसरी बात जिक्र अगर आप कर भी रहे हैं अगर आप हल्दी शॉट्स ले भी रहे हैं तो आप अपनी बॉडी हमेशा आपको कोई साइन देगी जी या तो आपको सूट नहीं करेगा या तो आपको गैस और ब्लोटिंग या हीट या फ्लैशेस या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा या आपके बाउल मूवमेंट्स में फर्क होगा या कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे तो हमेशा ऑब्जर्व करिए कि अगर आपकी बॉडी कोई साइंस दे रही है कि नहीं ता uh, so जी हल्दी बारे जो दस रहे सवाल मैं हल्दी रिलेटिड होना चाहनी हाँ कि बहुत सारे लोग दुधी पा के पीना प्रेफर करते हैं की वो सही है जी बिल्कुल आ, एक चीज एक हल्दी जो है आयुर्वेदा में हरेक जो भी चीज़ होती है उसका एक प्रॉपर्टी होती है एक ड्राइनेस जैसे हम बोलते हैं तहसीर होती है उसका जी, खाने के बाद क्या शरीर पे असर होता है उस तो वो बहुत कंसिडर करके उस बेसिस पे डिसाइड करता है कि आप किस तरह से हल्दी को कंज्यूम करेंगे या कोई भी चीज़ और दूध जो है अगर आप होल होल फैट लेते हैं जी, टोन नहीं लेते हैं तो उस दूध में थोड़ा फैट है और हल्दी की प्रॉपर्टी है कि एक तो वो गर्म होती है और दूसरी वो बहुत ही दरिद्री मतलब बोलते हैं सुखी होती है okay. तो वो आ, उसका बहुत जरूरी है कि उसको बैलेंस में कंबाइन करने के लिए घी में अच्छा। या फिर दूध के साथ होल फैट दूध के साथ हमेशा कंज्यूम करें तो उसका असर जो होता है आ, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे okay. so इस वजह से दूध में हमारा ट्रेडिशनली हमेशा हल्दी दूध में ली जाती थी और हल्दी दूध हल्दी दूध यस और आजकल तो गोल्डन मिल्क कहके गोल्डन जा रहे हैं जी गीता जी सीड्स भी बहुत ज्यादा अजक देखा जाए तो हर तुम जिते भी ग्रॉसरी लैंड जाओ एक प्रॉपर शेल्फ बना दी गई है जिसे है चीया सीड्स पंपकिन सीड सीड़, सीड़, और पता नहीं किन्नी तरह के सीड्स है कि सीड्स अपनी डाइट के इनकलूड करना सही है बिल्कुल देखिए जैसमिन जी सीड् जो हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं फैट्स के लिए और बहुत सारे मिनरलिन और अगर आप सीड देखेंगे hmm. तो एक सीड हम जिसको बोलते हैं वो होता है एक पोटेंशल गैस yes. एक प्लांट hmm. को ग्रो करने का तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं hmm. बिना कोई बहुत ज़्यादा फैट दिए हुए क्योंकि सीड्स कितने छोटे छोटे से hmm. होते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाने लिने होते हैं हमको hmm. एक या दो चम्मच hmm. रोज़ तो आपकी मिनरल वाइटमिनस न्यूट्रियस hmm. थोड़े से गुड क्वालिटी फ़ैट्स स्पेशली वेजिटेरियन लोग जो हैं जो मीट नहीं खाते हैं उनको ओमेगा थ्री अगर चाहिए जो कि बहुत ही असेंशियल yes. फैट है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बनाती है hmm. हम डाइट से hmm. लेते हैं तो वो ग्रास फैट घी में होता है hmm. या फिर अलसी okay. फ्लैक्स में होता yes. है hmm. या फिर कुछ सीड्स जैसे हेम्प और चिया hmm. उसमें होता है ठीक. तो एक तरह का ओमेगा थ्री का सोर्स जो है वो सीड्स है सो डेफिनेटली डाइट में इनकॉर्पोरेट hmm. uh, करना बहुत अच्छा है गीता जी अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो हमारा टेंपल है है ना और अपने टेम्पल की टेक केयर करने के लिए अगर हम जाते जाते आप हमें कुछ टिप्स दे सकें बिल्कुल देखिए वो हम बोलते हैं अपने सोल का एक टेम्पल है क्योंकि हमारा जैसे आयुर्वेदा और हमारे ट्रेडिशन में भी है कि एक साइकिल होता है कि हम आ, जो लाइफ टाइम होता है उसमें हम इवॉल्व करते हैं एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के थ्रू हम सीखते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमको इवॉल्व करने में मदद करें तो हमारी बॉडी एक कि एक सर्टन हेल्थ होना बहुत ज़रूरी hmm. है तो वो इसीलिए हम बोलते हैं इट्स द टेम्पल ऑफ योर सोल तो उसका और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल इतनी नॉइज़ है इतनी रिकमेंडेशंस hmm. हैं बाहर hmm. कि हम हमेशा बाहर सोचते हैं कि आ, उसने ये बोला तो ये जे. कर लिया या फिर हम कोई मैजिक पिल ढूंढ रहे होते हैं कि hmm. एक सप्लीमेंट मिल जाए या कोई एक जादू की कोई चीज़ मिल जाए छड़ी जो हमको बिल्कुल ठीक कर दे वो नहीं हो सकता है यू हैव टू थिंक एंड लुक इंटरनली कि मैं क्या हूँ क्या कर सकती हूँ अपनी बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए खाना अच्छा खाइए एक्सरसाइज करिए सोने पे ध्यान दीजिए आपके क्या वाइब्स हैं क्या चीज़ें हैं जो आपकी चॉइसेस हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं बहुत फ्राइड खाते हैं बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हुँ। हैं स्मोक करते हैं और हुँ। हुँ। ये सब चीज़ें अपनी बॉडी को अपने बैलेंस से दूर रखती हैं सो वो अवेयरनेस खुद ही आती है सो ये सब ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸਸ ਐਂਡ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰ ਕੋ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕੋ ਬੈਲੈਂਸੇ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵੀਟ ਟੁਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ जे आप सबनों पता कि शुगर जी आप कहने अवॉइड करो अपनी अपने दिनों केड़ी शुगर बेस्ट है जो ने पानी होवे इनस्टेड ऑफ दिस रिफाइंड शुगर शक्कर गुड़ शक्कर जी ताकि रिफाइंड जो चीनी है वो हमारे ट्रडिशनली कल्चर्स में नहीं थी जी ये रिफाइनिंग का प्रोसेस जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके साथ आया और दूसरी चीज अगर आप चाय पी रहे हैं जिसमें आपने शक्कर या चीनी डाली है कभी भी उसको कुछ ऐसी चीज़ें खा के साथ में वो ताकि क्योंकि जब आप शुगर खाते हैं आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है हुँ. तो हमेशा चाय के साथ कुछ ऐसी चीज़ खाइए जैसे थोड़े से बादाम पिस्ता जो हैवी फैट या हुँ. फाइबर वाली चीज़ें होती हैं वो खाइए अगर आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं जिसमें चीनी है तो आप

पर ये सिंथेटिक चीजों पे मत नेचुरल है। बट आयुर्वेदा हनी को कभी भी किसी गर्म चीज में डालने okay. के लिए रिकमेंड नहीं करता okay. है हनी mm -hmm. एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है आयुर्वेदा yeah. में hmm. तो वो अगर आप ऐसे ले लें या फिर हल्के से कोसे पानी में hmm. अगर आप मिला लेंगे तो फिर भी बट चाय या hmm. कॉफी में हनी मिलाना आयुर्वेदा hmm. के बेसिस पे नहीं ठीक आई थिंक गीता जी जो आपने छोटी छोटी ये टिप्स शेयर की हैं ना जैसे ये हमें नहीं पता था कि बहुत से लोग तो सोचते थे कि चाय में हमने हनी डाल लिया तो चीनी नहीं डाली तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हाँ। लेकिन जो आपने ये छोटी छोटी बातें शेयर की हैं इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है सेहत के ऊपर एनी इन क्लोजिंग अगेन लुक इनवर्ड्स अंदर झांकी स्प्रिंग क्लीन की बात की थी पहले अंदर की सफाई कीजिए अपनी बॉडी को क्लेंस कीजिए मेंटली इमोशनली फिजिकली ऑल ऑफ आर इम्पोर्टेंट रादर देन जस्ट लुकिंग आउटवर्ड्स थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच